गाइस आज मैं ना जो मंडाला आर्ट मैं इससे पहले बताई थी ना, मैं आज उसको पूरा क्लियर करके दिखाऊंगी और लॉन्ग वीडियो मेरा होने वाला है। तो अगर ना मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे ना, तो आप लोग जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ना, मुझे भी बुरा लगता है। मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छे से बनाती हूँ, आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दिया करो। तो जो मेरा ये आर्ट बनने वाला है ना, इसको सबसे पहले मैं पेंसिल से पूरा स्केच कर ली थी अपने तरीके से, जिस तरीके से मुझे डिज़ाइन ड्रॉ करना है, तो मैं इसको पूरा ड्रॉ करी। अब मैं इसको मतलब जो मोटी वाली पेन आती है ना, ब्लैक कलर की पेन लेके, जेल पेन लेनी है हमें, जेल पेन लेके हम पूरा इसको अच्छे से इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं, पूरा बना लेते हैं, मतलब स्केच कर लेती हूँ। बाकी मैं आप आगे देखते रहो। ये काम आपको एकदम धीरे धीरे से करना है और बहुत ही क्लीन तरीके से करना है। ब्लैक कलर का पेंट यूज कर रही हूँ, ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट ली हूँ और उसको यूज कर रही हूँ। ब्लैक कलर में जो पेंट होता है एक्रेलिक, वो चमकता है, वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम क्लीन दिखता है और एकदम मस्त चमकता है, तो मैं उसको यूज की। ये एक पतला वाला ब्रश ले लो, नंबर एक साइज लेना और एकदम बारीकी से करना। ज़्यादा इधर उधर करोगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करना पर अच्छा करना। तो ज़्यादा इधर से उधर मत करना, नहीं तो देखने में बहुत ही गंदा लगेगा और बिल्कुल भी पेंटिंग आपकी अच्छी नहीं दिखी। अब मैंने जो अंदर की डिज़ाइन बनाई थी, जो गोले के अंदर सर्कल वाला है ना, उसके अंदर जो मैंने बनाया था ना, उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। उसको मैं पेंसिल से पूरा पहले स्केच की थी, अब मैं ना उसको ड्रॉ कर रही हूँ। ड्रॉ कर मतलब पेंसिल मैं इसको ड्रॉ करूँगी और उसके बाद में उस पर काला ब्लैक कलर का कलर चढ़ा दूँगी। मतलब कलर चढ़ाने वाली बात नहीं, मतलब जो जगह थोड़ा थोड़ा बचा नहीं रहता, मैं उसको ज़्यादा भर देती हूँ ब्लैक कलर से। मंडाला आर्ट में तो यही होता है ना कि मैं उसको पूरा भरूँगी तभी वो अच्छा लगेगा। तो आप लोग बताइएगा कैसे बन रहा है और कमेंट भी करते जाइएगा। ओके, अब मैं इसके अंदर का पार्ट भर रही हूँ। देखिए पेन से मैं एकदम धीरे धीरे कर रही थी, अब वीडियो में थोड़ा स्पीड में है, बाकी मैं एकदम धीरे धीरे करी। तो ऐसे ही करना, एकदम क्लीन देखने में लगे और लाइन वगैरह एकदम अच्छे से खींचना सीधा, ताकि अच्छा लगे देखने में। अब आप बोल रहे हो कि सौम्या तो बहुत पक पक करती है। हाँ भाई, हाँ मैं बहुत पक पक करती हूँ, पर ठीक है, अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आप लोग मुझे बात ही नहीं करते हो ज़्यादा, मैं क्या करूँ। तो गाइस मेरा फाइनल रिजल्ट आने वाला है। मैं इसको पूरा पेन से ना जो लाइन है उसको मैं बहुत क्लीन तरीके से की हूँ और इसको मैं बनाने की पूरी अच्छी कोशिश की हूँ कि आप लोग को अच्छा लग सके। अब आप लोग को अच्छा लगे कि नहीं अच्छा लगे मुझे नहीं पता, पर मैं पूरी कोशिश की हूँ आप लोग को अच्छा दिखाने की और आप लोग को अच्छा सिखाने की जितना मुझे हो पाता है। क्योंकि अभी मेरे पास न्यू फ़ोन नहीं है, अभी मेरे पास जो ओल्ड फ़ोन है ना, मैं उसी से ज़्यादा यूज कर रही हूँ, क्योंकि जो आप लोग को देखने में अभी अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि अभी मैं एडिट नहीं कर पाती। कोई बात नहीं बहना, कि मैंने पूरी कोशिश किया है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरे वीडियो में तो क्या प्रॉब्लम आती है, तभी तो मैं बताऊंगी, ताकि मेरा फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके से है। अब आप लोग खुद देखोगे कि कैसे मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा ना, अगर आप लोग को इतना सा भी अच्छा लगेगा ना, तो मुझे जल्दी से कमेंट कर जान लेके ही मानोगी क्या देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस। तो मैं आपको वो जो रिजल्ट आएगा ना, मैं उसको भी एक बार दिखा ही देती हूँ। कैसे बना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है मेरा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है मंडाला आर्ट। तो जल्दी से कमेंट कर देना ना। तो अगर आप लोग को और भी सीखना होना, तो मुझे जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगती हो ना, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग बोलोगे कि सौम्या दी मेरे लिए लॉन्ग वीडियो लाओ और मंडाला आर्ट या भी कोई भी आर्ट आप लोग को अच्छा लगे उस आर्ट को लाओ, या तो क्रॉप्ट वाला चीज़, आपको जो किचन का रूम का जो भी क्रॉप्ट चाहिए मुझसे आप बोल सकते हो, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा से अच्छा ला दूँ। और मैं क्रॉप्ट का चैनल नहीं बना रही हूँ, क्रॉप्ट है बट मैं अभी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, मेरा फ़ोन अभी सही नहीं है। मैं फ़ोन को न्यू लेने वाली हूँ, जब न्यू फ़ोन ले लूँगी तो मैं ज़रूर आपको अच्छा सा वीडियो सिखाऊँगी, क्रॉप्ट भी सिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जल्दी से प्लीज़ कमेंट कर देना, भूलना नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो गाइस मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था, तभी मैं आप लोग को सिखाई हूँ। तो जल्दी से मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, देख लो, बाय बाय, कल मिलते हैं, पक्का मिलेंगे भाई जी।